भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी वापस अपने देश जा सकते हैं। इस बात के संकेत बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने दिए हैं। उन्होंने भारत से अनुरोध किया कि अगर उसके पास वहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सूची है तो उसे मुहैया कराए और वह उन्हें लौटने की मंजूरी देगा। भारत की राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर एक सवाल के जवाब में मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश भारत के संबंध सामान्य और काफी अच्छे हैं और इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोमेन ने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। उन्होंने कहा कि भारत ने एनआरसी प्रक्रिया को अपना आंतरिक मामला बताया है और ढाका को आश्वासन दिया कि इससे बांग्लादेश पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ भारतीय नागरिक आर्थिक वजह से बिचौलिए के जरिए अवैध रूप से बांग्लादेश में घुस रहे हैं। मोमेन ने यहां मीडिया से कहा कि लेकिन अगर हमारे नागरिकों के अलावा कोई बांग्लादेश में घुसता है तो हम उसे वापस भेज देंगे। उनसे उस रिपोर्टर के बारे में पूछा गया था कि कुछ लोग भारत के साथ लगती सीमा के जरिए अवैध रूप से देश में घुस रहे हैं, बांग्लादेश ने मांगी लिस्ट। मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश ने नई दिल्ली से अनुरोध किया है कि अगर उनके पास भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की कोई सूची है तो उन्हें मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेशी नागरिकों को वापस आने की अनुमति देंगे क्योंकि उनके पास अपने देश में प्रवेश करने का अधिकार है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने भारत की यात्रा रद्द क्यों कर दी, इस पर मोमेन ने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम का विदेश मामलों के राज्य मंत्री शहरयार आलम तथा देश के मंत्रालय के सचिव की अनुपस्थिति के कारण उन्हें यात्रा रद्द कर दी। वहीं सूत्रों ने बताया कि मोमेन और गृह मंत्री अजुद्दम्मा खान ने संसद में विवादित नागरिकता विधेयक के पारित होने के बाद पैदा हुई स्थिति को देखते हुए भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी। मोमेन ने अपनी यात्रा रद्द करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से उस बयान को गलत बताया था कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया गया। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मोमेन ने अपनी यात्रा रद्द करने के बारे में भारत को बता दिया कि और कहा कि शाह ने सैन्य शासन के दौरान बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का हवाला दिया था, ना कि मौजूदा सरकार के शासन में। यह प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा के तीसरे शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उनको भारत में उनके प्रवेश से ही नागरिकता दी जाएगी। माननीय, उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आज वो बेचारे अप्लाई करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये भारत के नागरिक नहीं है। बीच में किसी ने छोटा सा घर ले लिया है, किसी ने स्कूटी ले ली, किसी ने साइकिल ले ली, किसी को छोटी बहुत नौकरी भी मिल गई है, कुछ मिलता नहीं है मगर किसी को मिल गया तो उसको डर है कि मेरा ये छीन जाएगा। तो ये बिल उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं मानता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को विशेष कर बंगाल के लोगों ने, बंगाल के अंदर जो शरणार्थी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शरणार्थी है, उसको ये बात अच्छे से पहुंचानी चाहिए कि आप जिस तारीख से भारत में आए हो उस तारीख से आपको नागरिकता दी जाती है, बीच में किसी की भी जरूरत नहीं, कोई रेशन कार्ड निकालने की जरूरत नहीं, खामखा लाइनें मत लगाइए, कोई आपको डरा देता है डरिए मत। मैं कहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते, आपके पास रेशन कार्ड है या नहीं है हम नागरिकता देंगे। माननीय, अगर ऐसे अल्पसंख्यक, एक दूसरी दुविधा है कि मैं आज एप्लीकेशन करता हूं तो अब तक तो अवैध रूप से मैं रहा तो मुझ पर केस हो जाएगा, ये भी भय है, ये भय खड़ा भी किया जा रहा है, प्रचार करती है कुछ पार्टियां कि एप्लीकेशन मत डालो वरना जेल में जाओगे। अरे भैया क्यों जेल में भेजना है, बेचारे वैसे ही परेशान है। तो मान्यवर हम प्रोविजन लेके आए हैं कि ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ, अवैध प्रवासी या नागरिकता के बारे में कोई भी कार्यवाही चल रही है या चल सकती है तो वो भारत के नागरिकता मिलने के साथ ही खत्म हो जाएगी किसी भी प्रकार का। और वो ऐसी कार्यवाही चल भी रही है तो कार्यवाही के साथ भी एप्लीकेशन करने के लिए पात्र होगा, मगर किसी पे केस चल रहा है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। माननीय, इसमें यह भी प्रयोजन किया है कि भारत सरकार का जो सक्षम अधिकारी होगा
इस कारण से नागरिकता के आवेदन को खारिज नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के विषय में कोई कार्यवाही चल रही है, ये प्रोविजन भी हमने करा है। मान्यवर, इस धारा में हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर कोई आवेदक आवेदन की तिथि को किसी भी प्रकार से अधिकार या प्रिविलेज ले रहा है, मतलब मानो किसी की शादी हो गई, किसी को छुटपुट छोटी मोटी नौकरी मिल गई, प्यून बन गया या कुछ भी बन गया, किसी ने छोटा मोटा मकान खरीद लिया, कोई प्रिविलेज ले रहा है, तो इस प्रावधान के तहत आवेदन करने से इन अधिकार व प्रिविलेज से वो वंचित नहीं किया जाएगा, उसको संपूर्ण प्रोटेक्शन मिलेगा। माननीय, ये भी हमने प्रोविजन किया है, बहुत सारे संसद सदस्यों ने, श्रीमान गोगाई जी ने भी एक मुद्दा उठाया था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।